कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसे आपको पता है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है और आज जो है वो दो मैचेस खेले गए, बल्कि दो नहीं तीन मैचेस खेले जा रहे हैं। दो मैच, पहला मैच तो ये है कि जो नेशनल T20 जो पाकिस्तान में खेला जा रहा है उसका मैच हुआ, उसके बाद IPL का मैच हुआ, फिर उसके साथ साथ डोमेस्टिक का जो नेशनल T20 खेला जा रहा है पाकिस्तान में उसका दूसरा मैच भी जारी है, उसको ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम है, उसकी जो बात है वो हम कल करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं नेशनल T20 कप से, जो खेला गया आज सबसे पहले मैच, जो पाकिस्तान के टाइम पे दोपहर 3 बजे स्टार्ट हुआ, नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में खेला गया। और जो नॉर्दर्न की टीम थी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 242 रन्स किए 20 ओवर में। और हैदर अली, जिसका आपको पता है कि अभी इंग्लैंड भी गए थे, वो T20 के जब मैचेस हुए थे डेब्यू में उन्होंने 50 किया था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, 90 रन किए उन्होंने 48 बॉलों पर, 7 चौके और 5 छक्के लगाए। फिर उसके बाद जीशान थे, उन्होंने 77 रन किए, आसिफ अली ने 23 बॉलों पे 10 रन किए। अच्छा, अब इन ये जो प्लेयर्स थे इन्होंने किन बॉलर्स के अगेंस्ट रन्स किए जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खेले थे? पूरी पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप थी, वहाब रियाज थे, जुनेद थे, उस्मान शनवारी, शाहीन अफरीदी। वहाब रियाज ने 3 ओवर में 51 रन दिए, 51 रन दिए। जुनेद ने 4 ओवर में 44 दो आउट, उस्मान शनवारी ने 4 ओवर में 47 रन, कोई आउट नहीं, कामयाब बॉलर रहे, 4 ओवर में 38 रन, 1 आउट शाहीन अफरीदी ने। और जो बैटिंग की हैदर अली ने वो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बड़े ज़बरदस्त छक्के मारे, बहुत स्टाइलिश उन्होंने बैटिंग की। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वहाब रियाज एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जोर उनसे लग नहीं रहा। अब शायद इतने अरसे बाद उन्होंने क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड के टूर से आके रेस्ट था, रेस्ट तो खैर नहीं था, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी इनकी डोमेस्टिक के ये जो T20 इनकी होने लग गई थी तो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं। जुनेद खान के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर जो लड़का कमबैक करता है फिर उसकी कोशिश होती है कि ऐसी परफॉर्मेंस दे कि जो सिलेक्टर्स हैं उनकी नज़रें जुनेद के ऊपर जाएं कि वाकई यार अगर जुनेद के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो जुनेद ऐसी बॉलिंग कर रहा है, बेशक ना आउट करे लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो इसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए। तो वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। सर्किल में शाहीन अफरीदी हो गए, जुनेद हो गए, इन लोगों ने सर्किल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जिसकी वजह से उन्होंने फ़ायदा बहुत उठाया और इतने ज़्यादा रन किए। और अगर हम ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम जब रन चेस करने जाती है तो 169 पे पूरी 163 पे पूरी टीम आउट हो जाती, बल्कि 9 आउट होते हैं, 1 विकेट बाकी होती। तो उस टीम में जो बैटिंग करने वाले लोग थे, साहिबजादा फरहान थे, वाइड प्लेयर थे जिन्होंने 62 रन किए, उसके अलावा फ़खर जमान ने 5 रन किए, रिजवान ने 17 किए, हफीज़ ने 6 किए, शुएब मलिक ने 20 रन किए, इफ्तार थे इफ्तार अहमद, उन्होंने 28 रन किए। तो इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट नॉर्दर्न की टीम ने इतने ज़्यादा रन किए, 242, इतनी तगड़ी जो बैटिंग थी खैबर पख्तूनख्वा की उसके अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की। और मूसा खान ने 4 ओवर में 31 रन दे के 3 आउट किए नॉर्दर्न की तरफ से, सोहेल तनवीर ने 4 ओवर में 34 रन दिए 2 आउट किए, नवाज़ ने 2 आउट किए। सोहेल तनवीर के बारे में ये कह दूँ कि मिसबा उल हक साहब ज़रा थोड़ा सा देखें सोहेल तनवीर की तरफ भी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, आगे चल के वो काम आ सकते हैं, वर्ल्ड कप में काम आ सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज हर जगह पे अच्छी होती है, वो 100% देते हैं अपना T20 डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। जब परफॉर्मेंस नहीं होती आप किसी लड़के को टीम से बाहर कर देते हैं, लेकिन जब वो डोमेस्टिक मुस्तकिल खेलते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए। मिसबा उल हक टीवी में आके और कुछ कहते हैं और जो जो चीज़ें जब वो करते हैं वो डिफरेंट करते हैं। पता नहीं हमारे कुछ लोगों को के कुछ लोग किस किस्म के हो गए हैं, टीवी पे बैठ बैठ के झूठ बोलते हैं, कुछ और बातें बोलते हैं, जब वो अप्लाई करने जाते हैं कुछ और बोलते हैं। टीवी पे कहते हैं जी उम्र का कोई मसला नहीं है, तो अगर उम्र का कोई मसला नहीं तो सोहेल तनवीर की तो जगह बनती है T20 की टीम में, कामरान अकमल की जगह बनती है T20 की टीम के अंदर, तो भाई उम्र का मसला तो है ना फिर आप लोगों ने रखा हुआ, लेकिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बोलते हैं, खुद तो 40-42 साल तक खेलते रहे हो, तो इनके बारे में आपको ज़रा सोचना चाहिए। तो खैर नॉर्दर्न ने जो परफॉर्मेंस दी बड़ी ज़बरदस्त दी। अब ज़रा हम आते हैं IPL के मैच की तरफ। IPL के मैच में
जिस तरीके से बैटिंग की केकेआर ने, 174 रन किए, शुभमन गिल ने बहुत सेंसिबल अच्छी बैटिंग की, फिर उसके बाद मॉर्गन ने भी रन किए, बहुत कोई छक्के चौके नहीं लगे जिसकी वजह से 174 हुए, लेकिन जिस जिसको जो समझ आ रही थी किस तरह खेलना वो उस तरीके से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन कर करके रन्स किए और 174 किए। राजस्थान रॉयल जिसने लास्ट दो अपने मैचेस के अंदर 200 रन से ज़्यादा रन्स किए हुए, उस टीम के अगेंस्ट 174 रन्स मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं थे, क्योंकि संजू सैमसन जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, स्मिथ ने जिस तरह बैटिंग की, बटलर ने भी लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग की, तो स्पेशली जो संजू सैमसन थे वो उनकी जो फॉर्म थी वो बड़ी आला किस्म की थी, तो उनकी फॉर्म के आगे और स्मिथ की फॉर्म के आगे अगर हम 174 रन देखें वो इतने ज़्यादा नहीं था। अभी भी टीवी मेरे सामने लगा हुआ है, 126 में 9 आउट हो चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के, तो वन साइड हो गया मैच ये। बहुत अच्छी बॉलिंग की केकेआर के बॉलर्स ने, स्पेशली जो पैट कमिंस ने और मावी ने जो बॉलिंग की है, देखिए कमिंस तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है, बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मावी की तारीफ बहुत ज़्यादा करूँगा क्योंकि वो जिस तरीके से केकेआर की तरफ से सर्किल में बॉल कर रहा है, हालांकि एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो क्रिकेटर है ना वो समझेगा मेरी बात जिसने क्रिकेट खेली है, मावी की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, उसका एक्शन बहुत ईजी है, ईजी किस हिसाब से, बैट्समैन इतने इजी एक्शन को आराम से पिक कर सकता है कि कब ये स्लो वन करेगा, कब ये तेज़ बॉल करेगा, क्योंकि हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, हाथ उसका सामने होता है, सब क्लियर होता है, लेकिन इतनी छोटी हाइट के साथ, वेरिएशन के साथ, जगह पे बॉल करना, स्लो वन बड़े अच्छे करना, और एक और चीज़ उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जब वो बॉल डिलीवर करने जाते हैं और उनका मुँह ऊपर होता है, वो डिलीवर करने के टाइम तक उनका फेस जो ऊपर की तरफ होता है तो उनकी नज़रें जो पिच पे नहीं होती, तो वो उस वो चीज़ उनकी नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी जब वो जगह पे बॉल करते हैं उसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल है ये अच्छा एक टैलेंट है इंडिया के पास आया और कलकत्ता नाइट राइडर के पास भी आया। आज देखा आपने कि कलकत्ता नाइट राइडर के जो ऑनर है शाहरुख खान वो भी आए मैच देखे, मुझे पता उनको मज़ा नहीं आया आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों के बीच में बैठे होते थे जब इंडिया में आईपीएल होती थी, तो उनके आसपास लोग ही लोग होते थे, अगर वो सामने देखे तो लोग नज़र आएंगे, उनके पास देखे तो लोग नज़र आएंगे, आज बिल्कुल अकेले वो बैठे हुए थे, तो प्लेयर्स के लिए भी मुश्किलात हैं, लोग अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है, तो ऑनर्स के लिए भी मुश्किलात हैं, उनके आगे पीछे लोग नहीं, क्या करें ये मजबूरी है। कलकत्ता नाइट राइडर ये मैच जीता और राजस्थान रॉयल के चांसेस थे आज का मैच हारना, क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसे होता है जो भी टीम 2-3 मैच कंटिन्यू जीतती है या संजू सैमसन परफॉर्म कर रहा है या स्मिथ परफॉर्म कर रहा है तो वो एक ना एक मैच टीम हारती है या एक ना एक मैच में जो प्लेयर्स जो रन कर रहा होता है वो आउट होता है, तो वो आउट हो गया। अब अगले मैच में आप देखेंगे कि ये लड़के फिर रन्स करेंगे और फिर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में कोई बात भूला नहीं, शायद तिवातिया के ऊपर मैच था, लेकिन तिवातिया कोई बार बार थोड़ी छक्के मार के मैच जितवाएगा। एनीवे गुड विन था कलकत्ता के लिए, और अभी जो सेंट्रल पंजाब का और साउदर्न पंजाब का जो मैच चल रहा है वो भी बड़ा क्लोज है, देखते हैं कि कौन जीता है। इस मैच के ऊपर मैं कल बात करूँगा इंशाल्लाह ताला, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।